भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने इस तरह विश किया काजल राघवानी का बर्थडे। जी हाँ, काजल राघवानी का आज जन्मदिन है और काजल राघवानी को पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर जाकर उन्होंने उन्हें विश किया है और उनकी लंबी उम्र और अच्छे करियर की कामना की है। आपको बता दें, लॉकडाउन से पहले पवन सिंह और काजल राघवानी की एक फिल्म पवन पुत्र रिलीज़ हुई थी और साथ ही ये दोनों लखनऊ में उस वक्त कैसे उजाला प्यार की शूटिंग कर रहे थे। ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वैसे आपको बता दें कि काजल राघवानी के शो कुछ खट्टी कुछ मीठी में जब पवन सिंह आए थे तो इन दोनों को देखने के लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा लोग एंगेज हुए थे। जी हाँ, सबसे ज़्यादा लोगों ने उस वक्त इस शो को देखा था। और जबकि काजल राघवानी और खेसारी भी आए थे तब भी लोगों ने इस शो को इतना पसंद नहीं किया था जब खेसारी और काजल इस शो पर आए थे। लेकिन पवन और काजल जब शो पर आए, काजल के शो पे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने इस शो को बहुत पसंद किया। और काजल राघवानी ने भी कई ऐसे दिलचस्प किस्से पवन सिंह के बारे में सुनाए और उनसे खुद सुनवाए कि लोग दंग रह गए। वैसे लॉकडाउन खुलने के बाद काजल पवन के साथ कई फिल्मों में भी नजर आ सकती हैं। काजल राघवानी और खेसारी में मतभेद हो जाने के कारण काजल राघवानी और पवन सिंह की जोड़ी आगे कई फिल्मों में दिख भी सकती है। तो आप खुश हो जाइए कि काजल राघवानी और पवन सिंह भी कई फिल्मों में साथ नजर आ सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।